1947 में जो उन्होंने 370 और 35 ए हटाया, उसके बाद हमारे समुदाय को थोड़ी सी राहत मिली। हम कहने के लिए तो ये था कि भारत आज़ाद है, 1947 में भारत आज़ाद है, लेकिन हमारा समुदाय 370 और 35 ए की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ था। 5 अगस्त 2019 में जो कि 370 और 35 हटा, उसके बाद हमें हमारी समुदाय को आज़ादी मिली। इंडियन गोरखा, ऑल इंडिया राइज, वेलकम टू गोरखा नगर। जय गोरखा, जय हिंद, जय गोरखा, जय हिंद, जय गोरखा, जय हिंद। जय गोरखा, जय हिंद। यस यस गाइस, जय गोरखा, जय हिंद के नारा लगाते हुए, जय हिंद, जय गोरखा। यस यस यस, जय हिंद। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Vinod Tamang. लेके भगवान जी का नाम जय हिंद जय गोरखा कह के आज का ब्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ। तो जैसे आपको पता है कि मैं हूँ अभी फ़िलहाल जम्मू में, तो ये जम्मू के ये जो ब्रिज से मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ और यहाँ पे एक है आपका जगह एरिया, जिस जगह एरिया को ना दिखाए तो फिर जम्मू आया ना आया मेरे लिए फीका रह जाएगा, तो वो है आपका गोरखा नगर। तो जम्मू में एक आपका गोरखा नगर है, तो अभी फ़िलहाल मैं वहीं पे जा रहा हूँ और मैं आपको थोड़ा गोरखा नगर दिखाने की कोशिश करूँगा कि गोरखा नगर कैसा है। वैसे तो मेरे को पता नहीं है, मैंने जहाँ तक YouTube में देखा था गोरखा नगर, तो अभी जाके मैं लाइव देखने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली ये गोरखा नगर है कैसा। तो अभी यहाँ नीचे आपको देखने को, मैं आपको थोड़ा सा नीचे दिखाने की कोशिश करूँगा व्यू। ये आप जो देख रहे हैं नीचे आपको पूरा एकदम नदी देखने को मिल रहा है। नदी का नाम तो मेरे को उतना पता नहीं है, लेकिन पूरा आप देखिए ये पूरा आपका जम्मू है, देखिए पूरा आपका जम्मू सिटी। और ये फूल में देखिए आपको ब्रिज के साइड में आपको इस टाइप से पौधे लगाए हुए हैं, फूल के गाछ, बहुत बढ़िया देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल 6 बजने वाला है, तभी भी धूप देखिए आप ही, धूप लगा हुआ है, खिला हुआ है, तो मस्त है। अब मैं ये पुल क्रॉस कर, जैसे आप ये पुल क्रॉस करेंगे तो ये पूरा एरिया आपका गोरखा नगर, ये जो आप आगे देख रहे हैं ना, ये पूरा एरिया आपका गोरखा नगर। तो मैं देखता हूँ गोरखा नगर कैसा है और आपको भी दिखाता हूँ। मैंने YouTube में बहुत बार देखा था जम्मू का गोरखा नगर, आज मैं रियल आँखों से लाइव भी देखने का जा रहा हूँ, तो होप सो मज़ा आएगा मेरे को भी और आपको भी। तो बने रहिए मेरे साथ इंडियन गोरखा ऑल इंडिया राइड ब्लॉग वीडियो पर। तो मिलते हैं अभी फिलहाल गोरखा नगर के सामने। तो दोस्तों फाइनली मैं गोरखा नगर पहुंच चुका हूं, वो जो आप आगे देख रहे हैं, यहां से आपको नीचे आपको जाएगा गोरखा नगर। थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहां पे बोर्ड लिखा हुआ है, ऊपर देखिए श्री गोरखनाथ जी की और नीचे आपका गोरखा नगर। तो यहाँ पर जो उठा हुआ है लोकसभा गोरखा सभा, वो भी करुणा छेत्री गोरखा कैंडिडेट उठा हुआ है, तो अच्छी बात है। तो चलते हैं अभी आगे गोरखा नगर की ओर। और तो यहाँ पे आगे ना आपको गोरखा भवन देखने को मिलेगा, वो भी मैं किसी से पूछ के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी फ़िलहाल तो मैं आ चुका हूँ आपका ये गोरखा नगर, बहुत बढ़िया ये ऊपर शर्मा फास्ट फूड। तो चलते हैं आगे की ओर, बने रहे मेरे साथ इंडियन गोरखास ऑल इंडिया राइड ब्लॉक वीडियो पर। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ आपका ये गोरखा नगर, पहला गोरखा नगर कौन सा है? ओके तो यही है आपका गोरखा नगर। तो ये आपका एक ठो मतलब जैसे होता ना दिल्ली में गली गली होता ना, उस टाइप का ये एक शहर है, तो उसी को कहते हैं गोरखा नगर। तो जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है ये पूरा है आपका गोरखा नगर। यहाँ पे कुछ एक भवन था जिससे मेरे को लग रहा था, तो अभी फ़िलहाल तो अंदर ही अंदर, ये तो ऐसा जो दिल्ली में होते ना गली गली घर घर, तो उसी टाइप का ये आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइस अभी फिलहाल तो मैं आ चुका हूँ, चल रहा हूँ वॉक। यहाँ गोरखा भवन कहाँ से? गोरखा भवन गोरखा भवन आइया जाए।
तो गाइस जैसे बोर्ड पर बता रहा है कि यहाँ से थोड़ा आगे जाके थोड़ा इससे जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। तो जैसे अभी आप जब जम्मू आ चुके हैं तो गोरखा भवन का दर्शन नहीं करेंगे तो है कि नहीं गाइस। तो इसी कारण से फिलहाल मैं तो जा रहा हूँ वहाँ पे। मैंने यूट्यूब में देखा था वो गोरखा भवन, आज मैं फेस टू फेस देखने की कोशिश तक करूँगा, पता नहीं देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं हूँ गोरखा नगर में, और ये जो गोरखा नगर है ये पूरा एकदम बिल्डिंग से घिरा हुआ, एकदम गली गली आपको जाना पड़ेगा। दोस्तों फाइनली मैं जम्मू के गोरखा नगर के गोरखा भवन में आ चुका हूँ, जहाँ पे आपका मंदिर भी देखने को मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करवाने की कोशिश करूँगा। अभी तो यहाँ पे कोई लोग अभी तो है नहीं जिससे मैं कुछ पूछूँ। तो जैसे आप देखिए, मैं आपको आप मेरे पीछे दिखाऊँगा, देखिए ना बढ़िया सा मंदिर, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप जो देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये आपका गोरखा नगर में आपको इस तरह से आपको मंदिर देखने को मिलेगा। पहले मैं प्रणाम कर लेता हूँ दिल से और ये देखिए आपका आगे आपको मंदिर देखने को मिल रहा है, बढ़िया सा दिल से प्रणाम। ओके देख रहे ना, ये आपका गोरखा नगर के आपके गोरखा भवन, और हमारे यहाँ पे भोलेनाथ जी आपको देखने को मिल रहा है, और नंदी जी भी है यहाँ पे। वाव दिल खुश हो गया यार गोरखा नगर में आके, तो दिल से प्रणाम। और हमारे यहाँ पे माता जी और पिताजी और हमारे गणेश जी, दिल से प्रणाम। वाव आपको भी देखने को मिल रहा है गाइस, देख रहे ना। और यहाँ पे आपको इस तरह से साइड में आपको यहाँ देखिए माता जी, यहाँ आपको काली माता जी, और यहाँ पे साईं बाबा, आपको साईं बाबा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको तुम्हें को पता नहीं शायद दुर्गा माता होगा या कोई माता तो है। तो यहाँ भी देखिए आपको पुराना सा एक देखने को मिल रहा है, ओके गाइस। तो उस साइड में जाते हो, और यहाँ पे आपको घंटी भी देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया है। मैं ये यूट्यूब में देखा करता था जब भी जम्मू के गोरखा नगर, आज लाइव देखने को मेरे को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ भी आप शिवरात्रि में यहाँ अच्छा खासा भीड़ होगा जैसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। यहाँ भी आपको हनुमान जी जो आप देख रहे हैं, हनुमान जी है। वाह बहुत बढ़िया यार, गोरखा नगर के गोरखा भवन में आके मेरे को बहुत सुकून और अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा फिर यहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे सेम हमारे माता जी, यहाँ पे कृष्णा और राधा देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे आपका राम लक्ष्मण सीता और यहाँ हनुमान जी, और यहाँ पे दुर्गा माता हो सकता होगा मेरे को लग रहा है, यहाँ पे सरस्वती माता, और यहाँ पे आपका ओके संतोषी माता नीचे लिखा हुआ है, ओके ओके नीचे लिखा हुआ संतोषी माता, और यहाँ पे आपका दुर्गा सिंह श्री चंद्र की तरफ से, ओके माता जी लक्ष्मी माता, ओके तो यहाँ पे लक्ष्मी माता, और यहाँ पे भी देखिए आपको बढ़िया सा देखने को मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का आपको यहाँ रुख देखने को मिलेगा, और पीपल का देखिए बढ़िया सा निकला हुआ है, बहुत अच्छा। तो मैं थोड़ा अंदर भी आपको जाकर दिखाने की कोशिश करूँगा। हर हर महादेव ऊपर लिखा हुआ है, तो पहले मैं आपको यहाँ से शुरू करूँगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देखिए आपका भारत का तिरंगा जो आप देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए गोरखा, ये मैं देखा करता था यूट्यूब में, आज मेरे को लाइव देखने को मिल रहा है। ये आपका गोरखा का बढ़िया सा पेंट किया हुआ है, और यहाँ पे देखिए यहाँ दुर्गा मल्ला जी, जो जैसे आपको पता ही आ जाते हैं फौज के, दुर्गा मल्ला जी के फोटो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपको ये जो हमारे गोरखनाथ जी, जिसके नाम से हम लोग हुए गोरखा, तो गोरखनाथ जी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे शायद जितने भी प्रोग्राम होते हैं ना, तो शायद मेरे को लग रहा है यहाँ पे होगा। और ऊपर देखिए कितना बढ़िया लिखा है, जय माँ काली आयो गोरखाली, वाओ जय माँ काली आयो गोरखाली, बढ़िया से ऊपर लिखा हुआ है। तो यही है आपका गोरखा भवन, होप्सो आपको अच्छा लगा होगा। तो अब जम्मू आके आप गोरखा भवन नहीं घूमेंगे तो कुछ मज़ा नहीं आया ना गाइस, तो इसी कारण से मैं तो आ गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा आपको,
ये जम्मू कश्मीर का गोरखा सभा का गोरखा नगर बाहु फोर्ट जम्मू तावी, यहाँ का आपका हॉनी शायद ये कैप्टन होगा दीपक थापा चेयरमैन। ओके, जो दीपक थापा जो है वो है आपका चेयरमैन। तो यहाँ पे आपका करुणा छेत्री जी है आपका प्रेसिडेंट यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे हैं आपको हनी शायद कैप्टन होगा अरुण कुमार वाइस चेयरमैन, ये गोरखा भवन का है ऐसा मेरे को लग रहा है। और यहाँ पे आपका शंकर सिंह वाइस प्रेसिडेंट, एस वी राणा पैट्रोन, श्याम सिंह जनरल सेक्रेटरी, महेंद्र सिंह राणा सेक्रेटरी, विनोद कुमार। सो ये सब आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे इस गोरखा भवन के भीतर। और यहाँ पे देखिए आप बढ़िया सा खुपुरी का सिग्नल साइन भी आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे लोग कोई नहीं है, कुछ मैं पूछूँ बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी नहीं है जिससे मैं थोड़ा और जानकारी ले सकूँ। पता नहीं सब कहाँ चले गए, देखता हूँ थोड़ी देर कोई आ गया तो मैं थोड़ा सा इंक्वायरी करने की कोशिश करूँगा। तो अभी तो फिलहाल तो मैं गोरखा भवन के अंदर, अच्छा लगा यहाँ का, एक बाजे था बोले तो अभी वो बाजे भी यहाँ पे है नहीं, तो अच्छा लगा बैठ के। सो मैं तो बढ़िया से इंजॉय कर रहा हूँ और दर्शन भी हो गया जो गोरखा नगर में आके हमारे प्यारे गोरखनाथ जी से, भोलेनाथ जी से, और हमारे हनुमान जी से, और बहुत सारे माता साईं बाबा गोरखनाथ जी हर हर महादेव है सब जन है, सबसे दर्शन करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे किससे पूछूँ, कोई भी यहाँ पे है नहीं, वो थोड़ा सा मेरे को फीका लगा, नहीं तो बढ़िया मस्त। तो देखते कोई आएगा तो मैं थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करूँगा और भी बढ़िया बढ़िया यहाँ का पुराना इतिहास के बारे में। फिलहाल देखिए यहाँ आपका खुल चुका है, मेरे को जहाँ तक लग रहा है गोरखनाथ जी है, ठीक है, तो बहुत अच्छा बढ़िया सा गोरखनाथ। और हमारे पंडित बाजे जी भी आ चुके हैं, लेकिन बाजे बोल रहे हैं, बाजे तो है लियोंग ही है चंदन जी। दोस्तों अभी मंदिर में आरती का समय हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा आपको आरती का कैसे होता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा गोरखा नगर के गोरखा भवन में। तो देखिए शुरू हो चुका है, बहुत अच्छा लगा यार। दोस्तों जैसे आपको पता ही है मैं अभी फिलहाल हूँ गोरखा नगर में, जम्मू के सबसे शान सबसे बढ़िया सिटी शहर नगर गोरखा नगर। तो यहाँ पे गोरखा नगर में गोरखा भवन में आज हमारे साथ मेरे साथ मिलने के लिए आए हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट। सो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा गोरखा नगर का आपके इस गोरखा भवन का प्रेसिडेंट से। तो हेलो मैम, आपको दिल से शुक्रिया आपने समय दे के आए। तो कुछ इस गोरखा नगर के बारे में कुछ आप बता सकेंगे तो मेरे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए इस बारे में। मेरा नाम करुणा छेत्री है। okay. मैं आल जैन के गोरखा सभा की प्रेसिडेंट हूँ। okay. ये गोरखा नगर जो हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हम यहाँ बैठे हुए हैं, कम से कम हमारे गोरखा समुदाय के लोग 200 साल पुराने यहाँ पे बैठे हुए हैं जम्मू कश्मीर में। पहले हम श्रीनगर में रहते थे,
तो हालात के कारण बाद में हमें श्रीनगर से यहाँ पे निकाला गया और यहाँ पे 1962 में हमें यहाँ पे गोरखा नगर में ये गोरखा नगर स्थापित किया गया। गुलाम मोहम्मद बख्शी साहब उस टाइम वहाँ पे अपने मुख्यमंत्री थे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने हमें यहाँ पे बिछाया 1962 में। लेकिन हमें हमारे जो समुदाय के लोग थे ना, वो ज़्यादातर आर्मी में नौकरी करते थे और उन्होंने काफ़ी जैन के स्टेट के लिए और भारत माता की सेवा की, उन्होंने अपनी शहादतें दी जैन के स्टेट के लिए, भारत माता की सेवा की, उनका काफ़ी शहादतें दी। उसके बावजूद भी हमारे लोगों को यहाँ पे कुछ भी सुविधाएं नहीं थी, अब हमारे हक हकूक राइट्स यहाँ पे नहीं मिलते थे, उससे हमारे समुदाय के लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती थी। दिक्कतें सबसे मेन ये थी कि हम 200 साल रहने के बावजूद भी, आपको पता है कि कहीं स्टेट में भी आप जाइए, कहीं बाहर स्टेट में भी आप जाइए, जब कोई जाती है वहाँ पे 10-15 साल बैठते तो उनको वहाँ पे सिटीजनशिप मिलती है, लेकिन हमें यहाँ 200 साल रहने के बावजूद हमें यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिलती थी। इस कारण हमारे समुदाय के लोग बहुत ही परेशान रहते थे, पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को जो कि रोज़गार नहीं मिलती थी, मात्र एक सहारा थे हमें जो आर्मी में भर्ती होते थे। हमारे पूर्वज भी आर्मी में रहे और हमारे फादर साहब भी आर्मी में रहे, अब जो नेक्स्ट हमारे बच्चे थे वो आर्मी में नहीं जा पाते थे, कारण ये था कि सिटीजनशिप स्टेट सब्जेक्ट, जो कि हमें जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट का दौर हुआ तो सरकार ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर के गोरखा समुदाय के लोग आएंगे उनको स्टेट सब्जेक्ट होगा तो वो भर्ती होंगे, अदरवाइज नहीं। वो भी हमें एकमात्र सहारा था रोजी रोटी कमाने का, वो भी हमें से छीना गया, वो काफ़ी परेशानी आती रही। अब हमें 2014 में जैसे कि मोदी सरकार आए, मोदी सरकार ने हमारे जम्मू कश्मीर में देखा कि कुछ समुदाय के लोग काफ़ी परेशानी है, उन्होंने सर्वे किया, जैसे वैष्णो पूजी हो गया, वाल्मीकि हो गया, गोरखा समाज, इन तीनों समाज को उन्होंने कहा ये समुदाय काफ़ी परेशानी। उसका कारण था जम्मू कश्मीर में 370 और 35 है, जो 370 5 अगस्त 2019 में जो उन्होंने 370 और 35 ए हटाया, उसके बाद हमारे समुदाय को थोड़ी सी राहत मिली। हम कहने के लिए तो ये था कि भारत आज़ाद है, 1947 में भारत आज़ाद है, लेकिन हमारा समुदाय 370 और 35 ए की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ था। 5 अगस्त 2019 में जो कि 370 और 35 हटा, उसके बाद हमें हमारी समुदाय को आज़ादी मिली। और साथ ही में सेंट्रल गवर्नमेंट का, पीएम साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हमें डोमिसल ला हमें दिया। डोमिसल देने के बाद हमारे बच्चे, आप पढ़े लिखे बच्चे जो उनको यहाँ पे जैन के स्टेट में रोज़गार नहीं मिलती थी, कहीं अर्जी नहीं दे सकते थे स्टेट के नौकरी के लिए, अब वो जाके कहीं अर्जी दे सकते हैं, नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। बाकी नहीं तो यहाँ पे स्टेट में हमारे बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिलती, या कोई बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, IIT में, कहीं MBBS में, वो भी हमें हमारे बच्चों को वंचित था। अब जाके कहीं हमारे बच्चे को, हमें लगता है कि अब हमारे बच्चे के भविष्य उज्जवल नज़र आ रहे हैं, इससे पहले हमारे बच्चे का भविष्य, पढ़े लिखे बच्चों का भविष्य अंधकार था। अभी जाके कहीं हमारे में मोदी सरकार का और हमारे गृह मंत्री जी का और हमारे LG साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने ये 370 हटा के हमारे समुदाय को एक राहत की सांस दिलाई है। इसी वजह से हमारे अब समुदाय थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी एक गुजारिश मैं करना चाहती हूँ सरकार से कि जैसे कि हमारे समुदाय काफ़ी जगह में रहते हैं, जैसे कि दार्जिलिंग में हो गया, हिमाचल में हो गया, अपने देहरादून में और क्या कहते हैं सिक्किम में हो गए, सभी जगह रहते हैं, वहाँ पे सभी समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया गया हुआ, साथ ही उन्हें OBC का कैटेगरी दर्जा दिया गया हुआ है, ट्राइबल का दर्जा दिया गया। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे जैन के स्टेट के स्टेट में जो हम गोरखा समुदाय रहते हैं, हमें भी कुछ आरक्षण दिया जाए और कुछ OBC का दर्जा दिया जाए, ताकि हमारे बच्चों भी आगे से आगे बढ़ सके। और आरक्षण दे, जैसे अभी डिलिमिटेशन हुआ जैन के स्टेट में, काफ़ी समुदाय के लोगों को आरक्षण भी दिया गया, लेकिन हमारे गोरखा समुदाय को वहाँ पे भी वंचित रखा गया। मैं चाहती हूँ, सरकार से गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे समुदाय को आरक्षण दी जाए, ताकि हमारी भी कोई बात विधानसभा में रखने के लिए हमारी कम्युनिटी का कोई एक पर्सन वहाँ पे मौजूद हो। जैसे सभी कम्युनिटी के यहाँ से जीत के जाते हैं विधानसभा में, अपने अपने समुदाय के, अपने अपने एरिया की बात करते हैं, इसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि हमें भी गोरखा समुदाय को कहीं आरक्षण दिया जाए, ताकि वो भी अपनी समुदाय की बात
अपने एरिया के बाद वहाँ पे रख सके, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को आसानी हो। इसी के साथ मैं ज़्यादा ना कहती हूँ, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि हमारे प्यारे मैडम जी ने प्रेसिडेंट 200 साल से पहले से इतना गोरखा लोग ने इतना इस देश के लिए इतना त्याग दिया, बलिदान दिया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं, कितने दुख तकलीफ से रहा। लेकिन आज बहुत इतने साल के बाद जैसे हमारे प्यारे मैडम जी ने बोले कि मोदी सरकार ने थोड़े से वो 370 35 ए हटा के एकदम थोड़ा सा राहत अब मिल चुका है यहाँ के जितने भी गोरखे लोग को। तो अच्छा लगा जैसे आपने सुने हमारे मैडम जी से। तो मेरा सरकार से जो मेरे ये ब्लॉग वीडियो देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हो, ओबीसी हो या ट्रैवल, जो भी आप दे सकेंगे तो देने की थोड़ा कोशिश करिए। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे यहाँ पे दो सर जी, सर आपका गुड फ्रेंड सागर सिंह, थोड़ा आप अपने बारे में बता दीजिए। सागर सिंह यहाँ पर रहने वाला हूँ, दुकानदार निवासी। ओके, दुकानदारी करता हूँ। दुकानदारी हम लोगों के बाद 4 पुस्तें हो चुकी हैं। ओके, गोरखानगर में रहते हूँ। ओके, और मैं प्रेसिडेंट के साथ हूँ। मैं अपना बूथ गोरखानगर के वार्ड नंबर 18 का बूथ हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, बूथ प्रेसिडेंट का। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए, हमारा कुछ गवर्नमेंट के आगे बात रखें। ओके, ठीक है। हमें यहाँ 200 साल पुराना हो गया, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे आज तक 2005 तक हम लोगों के जो यंग लड़के थे उनके लिए भर्ती के लिए सब कुछ, उसके बाद हम लोग को अनदेखा कर दिया। आज हमें खुशी लगे कि हमारे जो मोदी सर ने हमें डोमिशन हमको लागू करने से हमारे बच्चों लोगों को कितना बेनिफिट हुआ। पहले ऐसे थे, हमारे बच्चे जब कॉलेज में जाने होते थे स्टेट सर्टिफिकेट मांगते थे, लेकिन अब हमारे एडमिशन की वजह से बहुत हमको बेनिफिट है। और हमारे जो हम यही मोदी से अपील करते हैं कि आगे हमारे जितने भी ये हमारा गोरखा सभा का हमारा गोरखा वाले को जितने भी है ये बात आगे रखे कि हम लोग का ये पूरा इसको। ओके, जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पे अभी हमारे गोरखानगर के जितने भी आपके जम्मू कश्मीर जितने भी गोरखा है, तो उन लोगों का एक ही डिमांड है कि आप जैसे भी हो ओबीसी में पूरा आपका कोटा हो गया, और जैसे आप लोकसभा संसद सभा में यहाँ से एक गोरखा कैंडिडेट जा सके, तो वही एक छोटा सा, उतना बड़ा भी नहीं है जैसे आपको पता ही है, छोटा सा है, आप ये कर पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा आप सोचिए, ठीक है। तो यही है, आज मेरे को अच्छा लगा ये गोरखा नगर में आके। जैसे आपको पता ही, मैं ऑल इंडिया राइड कर रहा हूँ अपने जाति के लिए, अपने देश के लिए। मैं 3 चीज़ को ज़्यादा मानता हूँ, अपने फैमिली को, अपनी जाति गोरखा जाति को, और एक भारत माता को। तो इसके लिए मैं निकला हूँ ऑल इंडिया राइड। तो आज मेरे को ये गोरखा नगर गोरखा भवन में आकर बहुत अच्छा लगा, और अपना गोरखा जाति से मिलकर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो देखते हैं, और आपको यहाँ पे दिखाने के लिए क्या क्या मिलेगा, मैं सब आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सो बने रहिए मेरे साथ, इंडियन गोरखा ऑल इंडिया राइड ब्लॉग वीडियो बोर्ड। इंडियन गोरखा ऑल इंडिया राइड, वेलकम टू गोरखा नगर। जय गोरखा, जय हिंद, जय गोरखा, जय हिंद, जय गोरखा, जय हिंद। यस यस, जय गोरखा जय हिंद को नारा लगाते हुए आज मैं गोरखा नगर से जा रहा हूँ आप होटल की ओर। होप सो आपको आज का ये ब्लॉग वीडियो पसंद आए। सो बने रहिए मेरे साथ, इंडियन गोरखा ऑल इंडिया राइड ब्लॉग वीडियो। यहाँ पे जो गोरखाली का डिश मोमो आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए गोरखो मोमो बना रहे और आदमी लोग भी आके खा रहे हैं। तो अच्छा लगा मेरे को ये गोरखा नगर आके। सो बहुत बढ़िया सा यहाँ पे पूरा आपका, यहाँ पे तो पूरा आपका गोरखा ही गोरखा का फास्ट फूड आपको देखने को मिलेगा। तो जिसे आप देख रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, जब आप गोरखा नगर के अंदर घुसोगे तो यहाँ पे आपको बढ़िया सा गोरखा मार्केट, जो मोमो का फास्ट फूड जो होते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं, और भी बढ़िया बढ़िया व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। बने रहे मेरे साथ, इंडियन गोरखा ऑल इंडिया राइड ब्लॉग वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे गोरखा नगर के सामने आपका देखिए फास्ट फूड का एक शॉप है। तो वहाँ के भैया से मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा कि वहाँ का नाम क्या, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज छेत्री। सूरज छेत्री, आप यहाँ कब से रह रहे हो? हमें हो गए यहाँ पर कम से कम कोई 80-90 साल हो गए। 80-90 साल, बाप रे बाप। गाइस बोलो, बहुत बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे। और ये आप ये जॉब जो मोमो कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं? ये हमें कम से कम 20 साल हो चुके हैं। 20 साल हो चुके हैं, वाओ।
तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा मोमो शॉप, देख रहे ना, ये जो है आपका गोरखा नगर के, जब आप इंटर होंगे तब आपको ये मोमो शॉप आपको देखने को मिलेगा, गोरखा डिश। ओके, तो बने रहे मेरे साथ इंडियन गोरखास ऑल इंडिया ब्लॉक। यस गाइस, जय गोरखा जय हिंद के नारा लगाते हुए मैं बढ़िया से ब्लॉग कर रहा हूँ अभी फिलहाल गोरखा नगर में। होप सो आपको आज के ब्लॉग वीडियो पसंद आए। यहाँ पे अभी आपको पूरा एकदम गोरखा शॉप में आपको बहुत सारे यहाँ पे मोमो शॉप से आपको मैंने बताया वहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को फिलहाल मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे आपका गुड नेम क्या है? गौतम राय। तो देखिए सेम आपको वैसे ही मोमो फास्ट फूड देखने को मिल रहा है, गोरखा फूड। सो यहाँ पे बढ़िया से रात में आपको बढ़िया सा आपको यहाँ पे चल फल देखने को मिलेगा, देख रहे ना, बहुत मस्त है। सो गाइस, जैसे अभी यहाँ पे गोरखा नगर में गोरखा फूड मोमो फेमस है तो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर भी है, तो मैं उनसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि कैसा है यहाँ का बाजार मार्केट और यहाँ का फास्ट फूड। तो हेलो दोस्तों, आपका गुड नेम? राहुल। आपका? सोनू। और आपका? मनी। आपका? सोमो। सो आपको यहाँ का जो फूड है गोरखा फूड मोमो कैसा लगता है आपको? बहुत अभी ट्राई करेंगे अभी आया नहीं है ना, तो इससे पहले भी आपने ट्राई किए होंगे? नहीं, हम फर्स्ट टाइम एग्जाम देने के लिए आए हैं। फर्स्ट टाइम? यस। वाह, तो अभी तो ट्राई करके बोलना है कैसा है, ठीक है? तो ओके, सूप अच्छा बना रखा है। तो अभी फिलहाल आप लोग सूप पी रहे हो, तो ये देखो बहुत अच्छी क्वालिटी से बना हुआ वेजी सूप है, देखो क्वालिटी कितनी बढ़िया है। ओ वाह वाह, तो मतलब आपको सूप बहुत बढ़िया लगा? मस्त है ना। तो आप लोग एक्चुअली रहते कहाँ के? अभी हमने यहाँ पे होटल लिया है। एक्चुअली आपका घर? हम मेरठ से। वो मेरठ से आए? ओके, कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा एरिया है। अच्छा जगह ना? यस। चलो अच्छी बात है, घूमने के लिए तो काफी अच्छी जगह है। ओके, जय हिंद जय गोरखा। यस यस यस, जय हिंद जय गोरखा का नारा लगाते हुए मैं ऑल इंडिया राइड कर रहा हूँ। सो होप सो आपको आज का ये ब्लॉग वीडियो पसंद आएगा। सो बने रहिए मेरे साथ इंडियन गोरखास ऑल इंडिया राइड ब्लॉग वीडियो।